तो ये है लेमन ग्रास, जिसको हम कगवरक में बोलते हैं शोनबांता, और ये बड़े दीदी ने दिए हैं हमें। और इसको मैं अभी क्या करूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, फिर धोऊँगी। वॉश करने के बाद इसको मैं सुखाऊँगी, मतलब रूम के अंदर ही। मैं इसको सनलाइट के मतलब टच में नहीं लूँगी सुखाने के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको एक जार में या फिर एक कंटेनर में भर के, एयर टाइट जार में भर के रख दूंगी, और आधे में दे दूंगी दी बाई को और आधे में रख लूंगी। इसको हम लोग चाय के साथ बॉईल करके पीते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसको इसको सिर्फ वाटर के साथ ही बॉईल करके, मतलब इसका वाटर पीते हैं। इससे सर्दी जुकाम ठीक होते हैं और इम्यूनिटी भी इंक्रीज होते हैं। तो फिर आप लोग भी खाइएगा लेमन ग्रास। और ये है दालोक, ये लाए हैं हम आते वक्त मोतामो मोरीगांव मार्केट से। पाट पाट मोखाय दालोक शियारी मोखाय दालोक वक्षा वक्षा दालोक उदा वक्मा दालोक ता मुझनी। और ये है पालोंग पालोंग शाक खना संगनाय मो कल पकाऊंगी सुबह। और क्या बोलते हैं, और एक मतलब ऐसे लीफी वेजी मुझे लाना होगा, क्योंकि मैं पाँच मिसाली एक है वो लीफी वेजिस का एक वो सब्जी बनाया जाता है वो बनाऊंगी कल, क्योंकि कल दीवाई जा रही है। तो वो पांच मिसाली जो वेजिस है, नहीं, लीफी वेजिस जो है वो होता है ऑस्पिशियस होता है, हेल्दी होते हैं, हम लोग खाते हैं इसे। देखिए वो वेजिटेबल का वो कैसा मिशन है? वेजिटेबल का क्या है, ग्रैंडफादर दीवा अभी लेमन ग्रास कट कर रही है। সোনহাই সোনহাই না কোনো কি কাপ হয় নাই সোনা না হলে ভাই শুনে কাকে সাই মানে তা মো দাদা কি পাবো না মানে মো লেমন গ্রাস ইয়ার গে মুঝে লেমন গ্রাস গ্রাস কা জো স্মেল হো বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যাঁ खत्म हो चुका काटना। अब इसको धोएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सैंड वगैरह है, ए सैंड इज सैंड। तो फिर इसको धोकर फिर कल इसको सुखाएंगे। और ये अभी ये ऑफिस से आते हुए ले आया है ये टाइनी फिश, इसको अभी मैं साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी इसका करी, करी नहीं ग्रेवी वाला बनाएंगे, और फिर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो मछली साफ़ करना हो गया है। ये है टेंगरा फिश, ये मिक्स टाइनी फिश है, टेंगरा फिश है ये, कर लिया है। और देखिए यहाँ पे कई तरीके का फिश है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। देखिए सब अलग अलग फिश है।